ये जी हम बैठे हैं टैक्सी में, और टैक्सी कौन सी है जी भाई? मर्सिडीज बेंज। कौन सी क्लास? सी क्लास। और इसका रेंट पता है कितना पड़ा है बसों के? 17 गुना इसका रेंट है, ओनली 17 गुना। 17 गुना कितना हो गया ना, 11 रुपए के हिसाब से 200 रुपए में मर्सिडीज की राइड ले रहे हैं, ठीक है। तो ये भी एक जब गाड़ी हमने बुक करी तो हम हंस रहे थे कि मतलब 200 रुपए में मर्सिडीज बुक करी है, ठीक है। अभी आई तो मुझे लगा कोई बहुत ही गंदी सी वो होगी, क्या बोलते हैं, कंडीशन होगी, बट ठीक है, अच्छी कंडीशन में है। कुछ विचार अपने बताओ। अरे भाई पूछ मत, मजा आ गया। बस जितना पैदल चले हैं ना तो अब जाके सुकून मिल गया, थकावट दूर हो गई। अखरोट ज्यादा खाया आपने भी है? हाँ। अजय भाई की तरह? हाँ बिल्कुल, अखरोट तो बहुत खाते हैं। अभी अभी उतारते हैं ना, आपको गाड़ी दिखाते हैं तो आप हंसो हो गया, 200 रुपए में राइड लेके आए हैं तो बड़ी हंसी आ रही है सोच के यार, मतलब 200 रुपए में यार मर्सिडीज की राइड ले रहा है यूरोप में वो भी। तो ऐसे कुछ एक्सपीरियंस होते हैं ना, अच्छे याद रहते हैं। जैसे एक एक्सपीरियंस था, एक भाई अजय भाई, हमारा दोस्त है अजय भाई, और हम सब बैठे थे रात में, तो 2-3 घंटे साथ बैठा था। लास्ट में कहता अजय भाई को, हरियाणवी में बात भी कर रहा है थोड़ी, जब उसको हाई हो गया कहता है अजय भाई आप केरला से हो गया। तो इस टाइप के इंसिडेंट यहाँ बहुत हो, ऐसे कुछ याद, मेमोरीज होती है अच्छी, ठीक है। तो अच्छी बुरी जो भी मेमोरीज होती है याद रहती है ना कुछ लाइफ भर, तो इस टाइप की मेमोरीज हैं ये। जैसे मैंने आपको बताया 16 गुना पड़े हैं, ये हमारी गाड़ी है। हाँ ये हमारी गाड़ी है, ठीक है। सिर्फ 16 गुना में, 16 नहीं 17 गुना में हमने 18 दे दिया उनको, एक रख लो एक 18 गुना में 200 रुपये में राइड करके आए हैं। चलो अच्छी बात है, अब आगे हम सेंटर पे आए हैं, सेंटर पे थोड़ा सा घूमते हैं और आपको भी घुमाते हैं सेंटर कैसा क्या है। सेंटर की तरफ हम लोग जा रहे थे तो घूमते घूमते हमें नज़ारा दिख गया, ये देखो। तो हमने कहा चलो पहले इधर इस साइड जाते हैं देन सेंटर जाते हैं। यार मतलब यहाँ पे पता क्या, सुंदर चीज़ें तो इतनी है ना, आप एक चीज़ देखोगे फिर बोलोगे नहीं ये नहीं, उससे बेटर कोई दूसरी चीज़ आ जाती है, तो इस टाइप के ऑप्शन बहुत हैं। ये देखो पीछे देखो, सामने जो है वो सेंटर का रास्ता है, ये जा रहे हैं बाइकर्स देखो, और ये देखो सिटी, ये पूरा कौन सा एरिया था क्या बोलते हैं उसको, नाम नहीं है, उस टाइप से पूरा दिख रहा है सामने, ठीक है। व्यू बहुत अच्छा है यार, व्यू बहुत अच्छा है। ये सेंटर एरिया है पूरा बिना सदर का, ये देखो सेंटर में सारी की सारी जितने भी आई मीन कॉफ़ी शॉप्स या काइंड ऑफ रेस्टोरेंट्स होते हैं सारे सेंटर में होते हैं, अच्छे बार कावा प्लस टोस्ट, ठीक है। ये पूरा सेंटर है, अभी आए यहाँ पर घूमते हैं देखते हैं क्या क्या एरिया है एरियाज़ हैं, तो अभी आइडिया तो कुछ है नहीं कैसे क्या होगा।
काटना पड़ेगा ना। छोटी छोटी गलियां यहाँ भी जैसे यूरोप में होती हैं। ये तो कोई बहन जी बैठी है, भूख लगती यार। नहीं आज भाई कुछ हो नहीं कर सकते भैया, अगर भूख लगी सिर्फ फास्ट रख सकते हैं। सोच लीजिए आज अपना सामने देखो सफाई कर दिया भाई। अभी हम लोग ने चल रहे थे ऐसे ही सेंटर में, थोड़ा खाने का लिए पिज़्ज़ा लिया और एक स्वीट आइटम है कुछ वो लिया, और सामने देखो व्यू देखो ऑल सडन देखा कि मतलब एक बहुत ही अलग व्यू है। मतलब यहाँ पे ना आपको था ना एक से बढ़कर एक चीज़ है। तो हम लोग ऐसे ही, हमने का सेंटर है कुछ ऐसा ही होगा। तो सामने देखा, सामने सी है और इधर देखो लड़के लड़कियाँ बैठे रहते हैं आराम से, कॉफ़ी शॉप्स हैं सारी की सारी। बाकी मे भी शायद ये ओल्ड टाउन होगा, पता नहीं क्या होगा एग्जैक्टली भी नहीं पता ये कुछ बना है क्या है। लोग यहीं बैठे हैं अपना खाना खा रहे हैं, फिर खाना क्या मतलब बेसिकली पिज़्ज़ा कॉफ़ी पी रहे हैं बैठे हुए। कुछ होगा इनसे इनकी हिस्ट्री से रिलेटेड, अभी हिस्ट्री पे ब्लॉग नहीं बना रहे हैं, जब बनाएंगे तो अपनी हिस्ट्री पे बनाएंगे सबसे पहले सनातन हिस्ट्री पे, औरों की हिस्ट्री भी बनाएंगे। और देखो छोटी लिटिल गर्ल, इट्स कॉल्ड फादर्स लव। ये व्यू है पूरा, उधर बैठेंगे उधर आगे आगे सी साइड पे यार। जब ये पूरा का पूरा है, मतलब व्यू सोचा है कितना ऐसा व्यू होगा यहाँ पे ना। हमने कहा नॉर्मली सिटी सेंटर होते हैं वैसे ही होगा, सिटी स्क्वायर सेंटर बोल दो जो भी, तो उसी टाइप का होगा। बट जब यहाँ पे आए तो कम्प्लीटली डिफरेंट थॉट हो गया। इंडियंस भी बहुत दिख रहे हैं यहाँ पे ना, शायद में भी कपल्स जो न्यूली मैरिड हैं वो भी दिख रहे हैं। सामने देखो शॉप्स, वो पोस्टर्स वगैरह सीनरी वगैरह बेच रहे हैं। ये बहुत तरीके भैया स्केट मार रहा बच्चा, बालक स्केट मार ये देखो अब यहीं बैठ के हम पैसा गए वो समझ। ये है भाई सिटी सेंटर पूरा, अच्छा व्यू है यार, बहुत अच्छा व्यू है। अभी हम लोग जो है एक दिन के लिए यहाँ पर हैं, कल तो हम वापस चले जाएंगे, तो कुछ है नहीं दिखाने के लिए ज़्यादा, जितना कैप्चर कर सकते हो उतना हम खुद भी घूम रहे हैं और आपको भी घुमा रहे हैं। तो आप भी घर बैठे बैठे क्रोशिया घूमते रहो। हेलो गुड मॉर्निंग, आज जद्दर से हम निकल रहे हैं वापस अपना ज़ाग्रेब के लिए। तो जो हमने रूम लिया था एक्चुअली वो कल आपको दिखा नहीं पाए थे, तो आज आपको रूम दिखा देता हूँ। ये रूम है हमारा, ये हमको मिला मात्र इंडिया के 3000 में। छोटी सी किचन भी है, तो आप यहाँ पर आके अपना लाइक मील बना प्रिपेयर कर सकते हो। ज़्यादा यूटेंसिल्स नहीं है बट ठीक है, मतलब ट्रैवल के हिसाब से इतना भी बहुत है। और ये बाथरूम है, काफ़ी अच्छा बना है यार प्राइस के हिसाब से, मतलब ठीक है। पीछे बालकनी भी है, ये विंडो, और हो गया था अभी
बच गया बच गया। एक ये जी हमारा ये अपार्टमेंट ज़ारा चेकआउट कर दिया हमने। अब हम जा रहे हैं अपना बस स्टेशन की तरफ। बस भी हमारी 10:30 बजे की है। कल भी हमने बस इंडिया की जो फिल्मी स्टाइल होता है ना, जैसे इंडिया में कहीं पे रुकवा देते हैं, ऐसे रुकवाई थी। तो होपफुली आज ऐसा कुछ ना करना पड़ा, तो इसलिए हम टाइम से निकले हैं। बस स्टेशन यहाँ से जहाँ पे हम रह रहे हैं वॉकिंग डिस्टेंस पे 15-20 मिनट्स की दूरी पर है, बट टैक्सी में जाएंगे। टैक्सी में ठीक है ना, एक तो क्या ब्रेकफास्ट भी करना है, क्योंकि 3-3.5 घंटे लगते हैं ज़ाग्रेब पहुँचने में यहाँ से। तो अब आपको आगे ज़ाग्रेब पहुँच के वीडियो का एंड करते हैं। बस थोड़ा सा आपको रास्ते में अगर व्यू कुछ मिलता है देखने का तो दिखाते हैं। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे या कुछ आपको लगे इससे कुछ बेनिफिट होता है किसी का, या आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिले, तो आप इसको लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाकी क्रोशिया जो आना चाहता है उन लोगों के लिए हम इस टाइप की वीडियोज़ बना रहे हैं, उनको भी दिखाने। देखो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है क्रोशिया में। आपको याद होगा जब पोलैंड का काम शुरू हुआ था, जैसे मैंने कहा था, आज क्रोशिया उसी फेस में है। आज आप यहाँ पे आइए, आके अपना सेटल होइए, और ऑप्शन बहुत है यार, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है। थैंक यू, टेक केयर, गुड डे। मिलते हैं अगली वीडियो में।